डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों ज़रूरी है, पैसिव इनकम हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। इस दुनिया में दो तरह के कमाई होते हैं, पहला एक्टिव अर्निंग और दूसरा पैसिव अर्निंग। एक्टिव अर्निंग किसे कहते हैं, वैसी कमाई जिसमें काम करे पैसा आए और जब काम करना बंद कर दे तो पैसे आना बंद हो जाए। जैसे जॉब पर जा रहे हैं पैसा आ रहा है, जॉब पर जाना बंद पैसे आना बंद। एक दुकानदार दुकान खोल रहा है पैसा आ रहा है, दुकान खोलना बंद पैसे आना बंद। एक किसान खेती कर रहा है पैसा आ रहा है, खेती करना बंद पैसा बंद। एक मजदूर मजदूरी कर रहा है पैसा आ रहा है, मजदूरी करना बंद पैसा बंद। इट्स कॉल्ड एक्टिव अर्निंग। और दूसरा पैसिव अर्निंग। पैसिव अर्निंग किसे कहते हैं, एक ऐसी कमाई जिसमें एक तय सीमा तक काम करे और उसके बाद काम ना भी करे तो भी अर्निंग होती रहे। इट्स कॉल्ड पैसिव अर्निंग। पैसिव अर्निंग क्यों जरूरी है, क्योंकि आज हमारा शरीर काम कर रहा है, कल वह काम नहीं करेगा। आज कुछ ऐसा करना है जो हमारी मौजूदगी ना भी हो तो भी हमें रेगुलर इनकम आती रहे, और वो ज़्यादा जरूरी है। पैसिव अर्निंग जिससे एक मिडिल क्लास और पुअर फैमिली भी आसानी से अपनी अर्निंग बढ़ाकर एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। आज पैसिव अर्निंग के तरीके का इस्तेमाल वर्ल्ड के सभी अमीर लोग, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और एक्टर सभी अपने लाइफ में पैसे कमाने में करते हैं। पैसिव अर्निंग का मतलब ऐसा काम जिसमें किसी काम का रेगुलर इनकम आता रहे, जैसे रेंटेड प्रॉपर्टी, कोई मकान बंगला या रूम को रेंट पर देने से जो पैसा आए। और भी है जैसे फिक्स डिपॉजिट, रियल एस्टेट, बिजनेस, यूट्यूब अर्निंग, ये सभी पैसिव अर्निंग में आते हैं। आज आपके पास कोई एक ही इनकम ऑफ सोर्स है, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो या शॉप हो या फिर एग्रीकल्चर, कुछ भी हो, आप उससे अपनी लाइफ की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक बेहतर ज़िंदगी चाहिए तो आप सिर्फ एक ही इनकम ऑफ सोर्स पर डिपेंड नहीं रह सकते, आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या ज़्यादा इनकम सोर्स बनाने होंगे। जितनी ज़्यादा इनकम सोर्स होगी उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी और आप अपने फैमिली को एक बेहतर ज़िंदगी दे पाएंगे। पैसिव अर्निंग करने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसीलिए पहले आप कंफर्म करें कि आप किस तरह शुरुआत करना चाहते हैं। आपको बेसिक और सिंपल आइडियाज़ चाहिए, ज़्यादा रिस्क भी नहीं हो और इन्वेस्टमेंट भी कम लगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये पैसे कमाने का वो रास्ता है जिसमें आप सिर्फ एक बार मेहनत करते हैं और कुछ ऐसे संपत्ति बना देते हैं जो आपको ज़िंदगी भर पैसे कमा के दे सकें। पैसिव अर्निंग को समझाने के लिए मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। यह कहानी है बर्क हेजेस की किताब द पैराबल्स ऑफ पाइपलाइन। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहा करते थे, ब्रूनो और पाब्लो, जो बड़े सपने देखा करते थे। एक दिन किसी न किसी तरह वो गाँव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। वो दोनों काफ़ी मेहनती थे, उन्हें तो बस एक मौके की तलाश थी और एक दिन उन्हें वह मौका मिल गया। उस गांव में एक समस्या थी, गांव वाले को पानी लाने के लिए नदी में जाना होता था और आधा दिन पानी लाने में ही गुजर जाता था। वो दोनों ने गांव वालों से बात की कि वो नदी से पानी लाकर उन्हें देंगे और उसके बदले कुछ पैसे लेंगे। गांव वालों को ये बात अच्छी लगी। अगले दिन दोनों ने एक एक बाल्टी पकड़ी और नदी की तरफ चल दिए कि हर बाल्टी के लिए 10 रुपये दिए। ब्रूनो बहुत खुश हुआ, लेकिन पाब्लो को इतनी ज़्यादा खुशी नहीं थी। पाब्लो को बाल्टी ढोने की वजह से उसके पीठ में दर्द हो रहा था और हाथों में छाले पड़ गए थे। अगली सुबह फिर से उन्हें ढोने की बात सोचकर ही दहशत हो रही थी। पाब्लो ने नदी से गांव तक पानी लाने का एक अच्छा आइडिया सोचा। जब अगली सुबह दोनों अपनी अपनी बाल्टी उठाकर जाने लगे तो पाब्लो ने कहा, ब्रूनो मेरे पास एक आइडिया है, चंद सिक्कों के बदले मैं दिन भर बाल्टी ढोने की बजाय क्यों ना हम नदी से गांव तक पाइपलाइन बना दें। ब्रूनो ने कहा, पागल, हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है, अच्छे पैसे भी मिलते हैं जिससे हम जो चाहें खरीद सकते हैं। अपनी पाइपलाइन के आइडिया को दिमाग से निकाल दो। लेकिन पाब्लो इतनी आसानी से डिमोटिवेट होने वाला नहीं था। उसने अपने दोस्त को पाइपलाइन बनाने का आइडिया अच्छे से समझाया। हम लोग दिन के आधे समय बाल्टी ढोने का काम करेंगे और आधे समय और छुट्टियों के दिनों में पाइपलाइन का काम करेंगे। ब्रूनो ने पाब्लो की बात नहीं मानी। पाब्लो जानता था कि पथरीली ज़मीनों में पाइपलाइन बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन पाइपलाइन बनने के बाद जो मिलेगा उससे वह इंस्पायर होकर काम करता रहा। जब पाब्लो अपना पाइपलाइन बनाता था तो गांव वाले उसकी मजाक उड़ाया करते थे, ये देखो पाब्लो द पाइपलाइन।
ब्रूनो पाब्लो से दोगुना काम कर रहा था, इसीलिए वह दोगुना पैसा भी बना रहा था। पहले कुछ महीने तो पाब्लो की मेहनत का कोई फल नहीं दिख रहा था, लेकिन पाब्लो खुद को बार बार याद दिलाता रहता कि कल के सपने आज के त्याग से ही होते हैं, और आखिर में वही हुआ जो होना था। पाइपलाइन बनकर तैयार हो गया। अब पाब्लो सोता था तो भी पैसा आता था, नहाता था तो भी पैसा आता था, खाता था तो भी पैसा आता था, वह कहीं बाहर घूमने जाता था तो भी पैसा आता था। जितना ब्रूनो ने 3 साल में कमाया था उतना पाब्लो ने 3 महीने में कमा लिया। गांव में जितना पानी बहकर जाता था पाब्लो के जेब में उतना ही पैसा बहकर आता था। और मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इस कहानी से हम 5 बातें सीखते हैं। पहला, विज़न का होना। विज़न सबके पास नहीं होता, विज़न जो आंखों से नहीं सोच से देखी जाती है। इस दुनिया में 5% लोग के पास ही विज़न होता है और वही इस दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं। दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आप कुछ हटके करेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, ठीक उस पाब्लो की तरह। तीसरा, लगातार काम करना। विज़न पर काम करना आसान नहीं होता है, इसमें ज़बरदस्त फोकस के साथ तब तक काम करना होगा जब तक आप उसे कंप्लीट ना कर ले। चौथा, खुद को इंस्पायर करना। अपने आप को इंस्पायर करने के लिए वो देखना होगा जो पाइपलाइन बनने के बाद आपको मिलेगा। अपने सपनों को विजुलाइज करना होगा ताकि अपने आप को मोटिवेट और इंस्पायर कर सके। पाँचवा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्क। जिस तरह पाब्लो ने गांव की पानी की समस्या को सॉल्व किया, आज हर वो इंसान सक्सेसफुल है जिन्होंने लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। चाहे वो डॉक्टर हो या इंजीनियर, चाहे वो साइंटिस्ट हो या कोई मोटिवेशनल स्पीकर, आज हर वो इंसान कामयाब हुआ है जिसने भी किसी भी फील्ड में लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी ऐसा ही है।